Hello, everybody. Hi. You know what? Before we start, I have a question for all of you. Define a real man. अगर हमारी सोसाइटी के हिसाब से देखा जाए तो दैट्स अ वेरी ओल्ड सेइंग कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द सख्त होते हैं. वो रो नहीं सकते, वल्नरेबल नहीं हो सकते, वीक नहीं हो सकते, आंसू नहीं बहा सकते, you know? और गलती से भी किसी मर्द ने अगर आंसू बहा दिए या अपना वीक साइड दिखा दिया, नामर्द, गे, पट्टू, ऐसे नाम देकर उन्हें नीचा दिखाया जाता है, उन्हें सोसाइटी में अलग माना जाता है. Why? You know, also, we're always conditioned. बचपन से हमें सिखाया जाता है कि लड़कियां घर में चूल्हा चौका संभालेंगी, खाना बनाएंगी, तुम बाहर जाओ, काम करो, पैसे कमाओ, और लड़कियों का ख्याल रखो, प्रोटेक्ट देम. दे डोंट नीड प्रोटेक्शन, दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. और यहां पर इस कंडीशन की वजह से ऐसे कितने सारे मर्द हैं, देयर आर सो मेनी मेन हु कैन नेवर कम आउट इन द ओपन विद देयर फीलिंग्स. इट्स ऑल थैंक्स टू आवर सोसाइटी. ये तेरा लाडला, देख सुबह सुबह के रो रहा लड़कियों की तरह. एक बार और रोया ना तो सारे में और मारूंगा. कहाँ जा रहा है? कब तक भागेगा ऐसे? ये समझा ले तू इसे. विकी कहाँ है अपना? होगा अपने किसी दोस्त के साथ. छोटे को डरा कर रखा है और बड़े को बिगाड़ के. नहीं भाई, गलती हो गई मुझसे. अरे मर्द को दर्द नहीं होता साढ़े. अंग्रेजी मास्टर ने ना एक सवाल पूछा था फुद्दू वाला स्कूल में. Why chicken die cross the road? लेकिन किसी के पास ना कोई जवाब नहीं आया. तो उसने दिया के है? बिल्कुल दिया. तो मास्टर ने कहा कि मुर्गे ने रोड इसलिए क्रॉस करा क्योंकि मुर्गे को लगता था कि वो मुर्गा ही नहीं है. भाई समझ ना आया कसम से. चड्डी में जो है ना वो वहीं रहना चाहिए. दिखावे के लिए उसे बाहर मत निकालो क्योंकि कभी कभी मर भी सकते हो. मर गया भाई. बचाने में क्यों भाई? भाई 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 गलती हो गई. आगे से गीली हुई या पीछे से पीली? भारत माता की जय. नेताजी. हाँ जी प्रणाम. बस हुक्म करो जी नेताजी. अच्छा वो जो जो वो एमजी रोड के जो कोने वाले हो जाएगा जी, हो जाएगा. क्या प्रॉब्लम है?
किन्नर? कोई नहीं जी, वो बिकी है ना अपना, करवा देगा जी। बस जी आप ही का बच्चा है जी। बस वो उठ गया है जी, बस अभी 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 भेज दूंगा मैं उसको जी। हाँ जी हाँ जी, आप टेंशन ना लो जी। अब वो नेताजी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात करनी थी जी। हाँ जी, बस वही अपने अपने विक्की के बारे में जी। वो यूथ पार्टी प्रेसिडेंट के लिए वो ठीक है, पहले काम कर काम 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 कर देते जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी। हाँ जी जी, भारत माता की जी। हाँ जी नमस्कार जी। हाँ जी विक्की, ओए उठ जा, ओए उठ रे भूतनी के, उठ, जब देखो सोता रहता, उठ जा। कि काम आया, काम जाना है तेरे को, वो जल्दी से कुल्ली बुल्ली कर ले, तैयार हो जा, जाना आ जा, बताता हूँ। अरे मेरा शेर बेटा है, मेरा मर्द बेटा, आ जा, चल मैं एक फोन करके आता हूँ। चल उठ उठ। हाँ जी अरे उठ जा विक्की, कल इतनी रात को कहाँ था तू और कितने बजे आया घर पे? सवेरे सवेरे पापा ने तो लेक्चर दे ही दिया है, आप भी शुरू हो जाओ। कभी तो घर पे रहा कर। पता है कल तेरे पापा ने सनी को फिर से पीटा। क्यों? अरे वो टीवी पे फिल्म आ रही थी गदर, उसे देखते देखते फिर से रोने लग गया। इसमें कौन सी घड़ी बात हो गई? दरवाजा खोल सनी। ये बावड़ा हो गया कि कल रात से ठोके जा रहा हूं मैं यहाँ पे, हैं? तू क्या चाहता है, मैं तन्ने आके ठोकू के? दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। भाई ये क्या किया तूने? गांधी जी बन गया हूं, हिंसा का जवाब अहिंसा से दो। अबे हिंसा अहिंसा, पागल पागल हो गया है क्या तू? गांधी जी को ऐसा नहीं बोलते, बुरा लगेगा। पापा को बुरा लगेगा, तन्ने पता है ना तेरे साथ क्या होने वाला है? पार की पिटाई होगी ना मेरे पास ना आना तू, अभी से कह रहा हूँ मैं तन्ने। अब इतनी मार खा ली तो थोड़ी और मार खा लूंगा, और इस बार अपना दूसरा वाला आगे कर दूंगा। ए सनी, अंदर कौन है? सनी ये अक्के कर रहा है। भगवान से तेरे और मेरे परिवार से दूर रहना, आगे से लेके तेरे। यही बात तूने मुझसे 3 साल पहले भी कही थी जब मैं कॉलेज छोड़ के जा रहा हूं, तब से अब तक ना एक बात नहीं बदली, तेरा डर। नमूना बंद रख तू, समझ रहा है ना बात को? सनी ये अक्के कर रहा है, बता कल रात नहीं रुका? जवाब दे। हाँ? अरे जवाब दे, चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच में? विक्की, हम दोनों के बीच में क्या चल रहा है ना वो तेरी समझ से बाहर है। मैंने बोल रहा है तुझे अपना मुंह बंद रखना है। तो क्या करेगा मारे? अरे कम से कम मुझ में इतनी हिम्मत तो है कि मैं सच बोल रहा हूँ। तो तू तो फट्टू है फट्टू। भाई 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 छोड़ दो भाई। फट्टू किसको बोल रहा है? अभी अभी भागो यहां से। अरे क्या हो गया, ये हवाइयां क्यों उड़ी हैं तेरी? हवाएं नहीं उड़ी हैं पापा, वो सनी ने ना बाल कटवा लिए, गंजा बना फिर रहा है। तो अच्छा तो है, अभी क्या है ना उसके सर पे सही से बांटेगी। तो उसने ना डॉक्टर के पास ले जा, उसने चेकअप करवा ले उसका, मैंने उसके लक्षण ठीक ना लगे हैं। कि कहवे कोई केवे की बीमारी ना हो उसमें, और अगर बीमारी हुई ना काले में गोली मार देनी है मैंने। मेरा खून जो है ना मीठा ना हो सके। काम कह रहे थे वो मंत्री जी का फोन आया था मेरे पास, बोल रहे थे कि MG रोड पे जो कोने वाली कोठी है ना जी, उसमें खाली करवाना है, वो कोई पार्टी ऑफिस बनवाना चाहते हैं। तो तू छोरों ने ले जा और खाली करवा दे, जा।
काम हो गया बाबा। और सुन, वो मैंने सुना है कि वहां पे कुछ किन्नर रह रहे हैं, देख लेना कि वहां कोई बवाल ना आए। हाँ, आप टेंशन मत लो। ये क्या कर रहे, कलमुए क्यों तोड़ रहा है? आ किन्नरों, चलो अरे कोठी खाली करो, सिर्फ 30 मिनट है तुम लोग के पास। अरे कोर्ट का ऑर्डर है हमारे पास, खाली करो चलो। हाय हाय, किसका ऑर्डर है? अरे तेरे बाप के, सवाल मत कर, कोठी खाली कर छोटे। ए चिकने, इसीलिए तेरे अंदर इतना गुस्सा है। छोटा है तेरा। ए गुड़मा से दूर रह। ए कान खोलकर सुन लो तुम सब लोग, हम ये कोठी खाली नहीं करेंगे। और भला क्यों करें हैं? हम लोग अलग हैं, हम लोग कमजोर हैं, इसीलिए ये कोठी हमारे नाम पर है कानूनी तौर पर। जाकर बता दे जिसने तुम लोगों को यहाँ भेजा है, हम ये कोठी हरगिज खाली नहीं करेंगे। हाँ मेरा ना जबान नहीं हाथ चलता है, पर मैं तुम जैसों पर हाथ नहीं उठाता। शांति से 2 दिन की मोहलत दे रहा हूं, कोठी खाली कर दो, वरना यह हाथ चलेगा, तुम्हारा चेहरा बिगड़ेगा और ये कोठी खाली होगी। ओई मां, ओई मां, ओई मां, मैं तो डर गई। ए कान खोल कर सुन लो तुम सब लोग, हम ये कोठी हरगिज खाली नहीं करेंगे। छोटे, 2 दिन बाद में क्या है ना, नहीं कि वार्निंग नहीं दी थी। अरे जा रहे कलमुए पढ़ाया वार्निंग देने वाला, कीड़े पड़ेंगे कीड़े। रे उन्हें घसीटते हुए बाहर निकलना चाहिए था, साले किन्नर कहीं के। एक थप्पड़ पड़ता ना तो सारी अकल ठिकाने में आ जाती। अरे भाई किन्नर है वो, अच्छा हुआ हाथ से नहीं लगाना पड़ा। अरे मेरा बस चले ना तो जितने भी मीठे हैं सबको उठा के जेल में बंद कर दूं। साले सोसाइटी की गंदगी कहीं के। अबे गंदगी मत बोल भाई, विक्की को बुरा लग जाएगा, तुक्का भाई भी तो मीठा ही है। अबे देखा नहीं उस बुड्ढी पुष्पा पे कैसे दिल आ गया था इसका, 2 दिन की मोहल्लत और दे दी। ऐसा भाई लौंडा लौंडे पे चढ़ता है तो उसको कहते हैं मिठा है? और लौंडा अगर किन्नर पे चढ़ता है तो उसको क्या बोलेंगे है? मिठाई बोलेंगे ना, क्योंकि तो उसके भी जाता है। क्या बोला बे? ओके भाई, भाई तुम्हारा अब कैसा लग रहा है? मीठा लग रहा है, मीठा लग रहा है। भाग जा, भाग जा यहाँ से। गुस्सा तो आएगा ही ना, बहुत अकेला फील कर रहा है अभी। मिसअंडरस्टूड, मिसजज, सब कुछ उसके अगेंस्ट जा रहा है। विकी, गे होना या फिर होमोसेक्सुअल होना कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक नॉर्मल सी बात है। अगर बीमारी है तो हमारे समाज की सोच में है। और जहाँ तक फेज की बात है, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। कन्फ्यूजन है, वो नॉर्मल हो जाएगा जल्दी। खुद को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। और एक बात हमेशा याद रखो कि किसी के कहने पर कोई अपनी सेक्सुअलिटी चेंज नहीं कर सकता। पापा मार डालेंगे सनी को। नहीं मारेंगे, ये बस तुम्हारा डर है। उसने अगर ये बात सबसे शेयर नहीं करी ना तो ये डर उसे अंदर ही अंदर खा जाएगा।
यू नो गाइस, हम अगर किसी से बहुत प्यार करते हैं एंड देन यू एंड अप हर्टिंग देम, चलेगा, नो प्रॉब्लम. या फिर आप किसी को डराते हैं, धमकाते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके. या फिर इफ यू आर नॉट लॉयल और डिसऑनेस्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल. लेकिन द मोमेंट यू आर गे और होमोसेक्सुअल, डैम, ये कैसे कर दिया आपने? क्योंकि यार हमारी सोसाइटी में तो हम होमोसेक्सुअल्स को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते, बिकॉज दैट्स हू वी आर, हिपोक्रेट्स. हम आज 2017 में जीकर भी, मुझे ऐसा लगता है कि हम एक ऐसी हिपोक्रिटिकल सोसाइटी में रहते हैं कि आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई वी थिंक द वे वी थिंक. क्यों हम होमोसेक्सुअल्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते? व्हाई? उनमें और हम में क्या फर्क है? कुछ भी नहीं. ऑल दैट दे नीड इज लव एंड एक्सेप्टेंस एंड अ लिटिल बिट ऑफ सपोर्ट, दैट्स ऑल दैट दे वांट. जो शायद आपको भी चाहिए, जो शायद मुझे भी चाहिए, पर फिर भी हम तो उन्हें नीचे नजर से देखें. I want to request everybody to stop this hypocritical behavior. तेरी मशकारा बन जाऊंगा, तेरे लिए जाना मैं आवारा बन जाऊंगा. आंखों का मैं तेरी मशकारा बन जाऊंगा, तेरे लिए जाना मैं आवारा बन जाऊंगा. एक बार तू ये किताबें कॉलेज की लाइब्रेरी में पढ़ी पढ़ी सड़ जाती, ऐसे स्टूडेंट्स के इंतजार में जिनको इनकी फिक्र ही नहीं. आज हमने इन्हें आजाद करा दिया, अब ये हमें आजाद कराएंगे. अभी भाई, अभी मेरा लेवल आपसे कम है और मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या बोल रहे हो. थोड़ा थोड़ा क्लियरली बताओ. अच्छा एक बात बताओ, हमें फिलॉसफी और पोएट्री इतनी अच्छी क्यों लगती है? कभी सोचा है? नहीं. क्योंकि ये हमें आजादी देती है हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की. ये हमें समझती, हमें समझाती, हमें प्यार करना सिखाती. जबकि हमारी सोसाइटी सिर्फ हमें रोकती है, डराती है, हमें नफरत करना सिखाती है. पर अभी भाई मुझे ये समझ नहीं आता कि भाई आपसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? और आपसे तो कोई नफरत कैसे करेगा? मुझे लगता ही नहीं कि आप तो नफरत करने लायक है ही नहीं. हम किसी से नफरत क्यों करते हैं? इसलिए कि हम उसे उसके डर से रूबरू करवाते हैं, एक ऐसी सच्चाई बताते हैं जो कि जिससे कि उसे डर लगता है, जिसे वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, शायद इसलिए. अपना तो बना, एक बार तू अपना तो बना, तेरे लिए जाना मैं सितारा बन जाऊंगा, तेरे लिए जाना मैं सितारा बन जाऊंगा. आंखों का मैं तेरी मशकारा बन जाऊंगा, तेरे लिए जाना मैं सितारा बन जाऊंगा, तेरे लिए जाना मैं सितारा बन जाऊंगा. आंखों का मैं तेरी मशकारा बन जाऊंगा. समय है, समझा रही है तुझे प्यार से, अपना ये ऑर्डर वापस ले ले, हमें शांति से जीने दे और तू भी शांति से जी, वरना वरना क्या करेगी, क्या करेगी तू? अरे किन्नर है ना, तो किन्नर बन के रहे, ज्यादा हवा में उड़ने की कोशिश ना कर वरना तेरे पर कतर दूंगा. अरे किन्नर हुए तो क्या हुआ, कानून हमारे लिए भी है. हाँ तुम किन्नरों के बस की कुछ ना है, समझ में आई बात? तुम्हारा जो काम है ना ये ताली बजाने का, वो करो और तुम्हें तुम्हारी औकात मेरा बेटा दिखाएगा.
रुक। हाय 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 हाय, अब आप दिखाएगा, बुलाने इसको बुलाना है। अरे क्या दम रखे हैं? चुप, ये क्या कर रहे हैं? नासपीटे बड़ा आया ये सेठ, तेरे छोकरा कर कुछ ना पाएगा। इसे तू हमारी टोली में शामिल कर दे। हाँ, इन जैसे छोकरों को बहुत अच्छी तरह से समझती है हम लोग। इंस्पेक्टर साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। वो भूपेंद्र उसके बेटे ने ना हम सबको। चुप चुप, तुम लोग थाने चलना होगा। इंस्पेक्टर साहब, तुम लोगों के खिलाफ FIR दर्ज है, अटेम्प्ट टू मर्डर का। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आपने तो कुछ भी नहीं किया, उसी ने मारा। ले जाओ इन लोगों को। अरे इंस्पेक्टर साहब, ने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, उसे कल मिला। अरे इंस्पेक्टर साहब, अरे पुष्पा क्या करना है? अस्पताल वाले उसे छोड़ेंगे ना, होश माने दो, उसे भी अंदर करेंगे। इसे तू हमारी टोली में शामिल कर ले। इन जैसे छोकरों को अच्छी तरह से समझती है हम। भाई आपने उसको इतना क्यों मारा? बकवास कर रही थी वो। तन्ने के हैं भाई, आप उस इंसान से नफरत करते हो जो आपको आपके डर से रूबरू करवाता है, जो आपको वो सच बताता है जिसको आपको एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं होती। भाई आप उस इंसान से नफरत करते हो जो आपको आपके डर से रूबरू करवाता है। तुझसे हाँ प्यार, तुझसे हाँ प्यार। सुन सजना दिल की धुन, तुझको बुलाए रे, तेरे सिवा दूजा कोई मन को न भाए रे। सुन सजना दिल को बुलाए रे, तेरे सिवा दूजा कोई। अच्छा तू है, बैठ जा बेटा बैठ। देखने आया था कि कहीं तुझ पर मर्डर का केस तो नहीं लगेगा, है ना? डरपोक कहीं का। जान से मारना होता ना तो मार देता। अच्छा एक बात बता, तेरे अंदर इतना गुस्सा इसलिए है ना कि इस दुनिया में तुझे कोई समझता नहीं है, या फिर तू खुद अपने आप को समझना नहीं चाहता? माफी नहीं मांगेगा मुझसे? मैं क्यों मांगू माफी? दिल में माफी लेकर आया है, जब कुछ बोलना ही नहीं था तो फिर यहाँ आया क्यों? बहुतों को मारा है, बहुतों को पीटा है, लेकिन तुमको पीटने के बाद जितना बुरा लगा है ना, कभी नहीं लगा था। क्योंकि मैं कमजोर हूं इसलिए? नहीं, जिंदगी ने तुम्हारे साथ भी वही मजाक किया है। मतलब तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ? मेरे साथ नहीं, मेरे भाई के साथ। क्या किया जिंदगी ने तुम्हारे भाई के साथ? अपना ख्याल रखना। जिंदगी कभी मजाक नहीं करती, बल्कि जीना सिखाती है बेटा। अरे मजाक तो हम इंसान बनाते हैं उसका, इसलिए
जिंदगी जो सिखाए उसे हमेशा सीखना चाहिए। वाह, अपने भाई से बोलूंगा, अच्छा लगेगा उसे सुन के। जरूर बोलना अपने भाई से, शायद वो समझ जाए। आमा। विकी बेटा, बेटा सनी घर छोड़कर चला गया है, कुछ कर उसे वापस घर ले आ। इबके हो गया? तेरे पापा ने उसे फिर से मारा है, बहुत रो रहा था। चिट्ठी छोड़कर गया है कि अब कभी घर वापस नहीं आएगा। उसे घर वापस ले आ। सन्नी कहाँ है? बता दे। कहाँ है सन्नी? मन्ने के क्यों भाग गया क्या? फाइनली मतलब क्या है तेरा? मतलब क्या है? हाँ, आराम से आराम से। मतलब ये है कि he took his stand, I'm proud of him। तेरा पापा भगाने का बकरा तूने खड़ा किया ना उसके लिए? हाँ हाँ, मैंने उससे कहा था कि तू कब तक अपने गुंडे बाप के आगे चूहा बन कर रहेगा। Now he's a lion. और तू? क्यों बकवास की जा रहा है तू? तू मुझसे नफरत करता है, तुझे पता है क्यों? क्योंकि दुनिया में वो मैं इकलौता इंसान हूं जो तुझसे सच बोलता है। क्यों बताया तुम फीलिंग्स होते? मैंने ना कोई फीलिंग विलिंग ना है। तीन साल पहले मैंने तुझे कहा था दैट आई लव यू, आई न्यू दैट यू लव मी टू। क्यों दोबारा अपने आप को? मन को ना भाए रे, तू ही जिंदगी है मेरी, तू ही दिल का करार, जहां से ज्यादा करता हूं तुझसे हाँ प्यार, तुझसे हाँ प्यार, तुझसे हाँ प्यार। I'm telling you, पापा ने इनको बहुत मारा, अब इन लोगों ने तो हाथ भी नहीं उठाया। ये लोग बेकस हो रहे। देखो बेटा, पागल हो गए हो क्या? कोई अपने पिताजी के खिलाफ गवाही देता है? हाँ, अगर पिताजी गलत हो तो मैं गवाही दूंगा। सर आपने इनको किस बेसिस पर बंद करा हुआ है? देखो बेटा, जिद मत करो, अगर तुम्हारे पिताजी को पता चलेगा ना
तो तुम डांट खाओगे और साथ में तुम मेरी नौकरी भी खाओगे। आपकी नौकरी तो वैसे भी जाएगी। अगर आपने मेरी विटनेस रिपोर्ट नहीं लिखी तो मैं अपने पापा के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि आपने मुझे लॉकअप में बंद किया और मुझे बहुत मार मारी। क्या कर रहा बेटा? क्या कर रहा? अरे शर्मा, अरे क्या मुंह देख रहे हो? जाओ निकालो उन लोगों को। तू पागल, इसका खानदान पागल है। बेटा देख, मार मत, देख देख वो देख वो देख। थैंक यू सर, आप जैसे पुलिस इंस्पेक्टर की तो हमारे देश को जरूरत है। हाँ जय हिंद। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, तू और सनी, मैंने ये तो पक्का पता है कि सनी की कोई छोरी है। तो फिर मैं गे हूं, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं किसी लड़के का दोस्त नहीं हो सकता। Come on यार, we are just friends, और a mentor, या फिर guide, जिसके साथ वो सारी बातें शेयर करता है जो वो कभी किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता, जैसे कि इमोशंस, पोएट्री। तुम्हारा भाई बहुत अच्छा लिखता है। अपना सोनी लिखता? लिखा क्या? तुम्हें तुम्हारे लड़ाई झगड़ों से फुर्सत मिले तब तुम्हें समझ आए ना कि वो कितना अलग है। और पता है उसकी सबसे अच्छी बात क्या है? वो किसी से डरता नहीं। मुझे भी नाम डरना नहीं है। तो फिर किसने रोका? पापा का सपना है कि मैं यूथ पार्टी प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं मुझे, और तुम्हारे गे होने से उनका सपना टूट जाएगा। तुम्हें यूथ पार्टी का प्रेसिडेंट बनना है ना, तो बनो ना यार, उससे तुम्हारी सेक्सुअलिटी का क्या लेना देना। पागल हो गया कि तू? हैं, कैसी बातें कर रहा है? कौन सी दुनिया में रहता है तू? इस दुनिया में ना मिट्टू की ना कोई जगह है, ना कोई औकात है। और दुनिया छोड़, मेरे पापा ना एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तेरा भाई एक्सेप्ट करेगा, मैं एक्सेप्ट करूंगा। इस दुनिया के एक्सेप्टेंस से तुझे क्या लेना देना? तू एक्सेप्ट कर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखना फिर सब ठीक हो जाएगा यार। चल अभी चलकर सबको बोलते हैं। चल, पागल हो गया कि? एक बात बता, अभी हम दोनों के बीच जो भी हुआ तुझे कैसा लगा? मन हल्का हुआ तेरा? बहुत। तो सोच, अगर तू एक्सेप्ट कर लेगा इस पूरी दुनिया के सामने, हाउ डू यू फील कि तेरी आइडेंटिटी क्या है, तो कितना हल्का फील करेगा यार। यू फील सो लाइट, हैप्पी। और तेरा ये जो गुस्सा है ना, यूं यूं दूर हो जाएगा, सच में। चल, ताके मैं रख दूं दुनिया की सारी खुशी, बस में हो मेरे तो नाम मैं कर दूं अपनी ये जिंदगी, तेरे लिए जीता हूं मैं, तुझसे मैं जिंदा हूं, तू है मेरा आसमां, मैं तेरा परिंदा। देख तुम्हें क्या हाल क्या इसका? तुम सब लोग बाहर कैसे आ गए हैं? मैं लेकर आया हूं इन सबको बाहर। ए
और ये लोग अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। पर अगर आपने इनको इनके घर से दोबारा निकाला तो आप जेल जरूर जाएंगे। मैं यहाँ मीडिया बुलाऊंगा, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को यहाँ खड़ा कर दूँ। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है, अपने बाप को जेल भेजेगा, मुझे जेल भेजेगा इन इन किन्नरों की वजह से, मुझे जेल भिजवाएगा, मुझे जेल भिजवाएगा, बाप को जेल भेजेगा, बाप को जेल भेजेगा। सवा अगर दोबारा मेरे सामने भी नजर आया ना, जान से मार दूंगा। निकल। चुमत, चुमत, चुमत इसको। मिट्टा है साला, मिट्टा। गंदी बीमारी हो चुकी है। तुम सब सालों को इतना मार, ये लोग मौत के लिए तैयार। विक्की, आखिर कब तक छिपेगा अपने छोटे भाई के पीछे तू? हाँ, अरे तुझसे तो अच्छे हम लोग हैं। हम लोगों के अंदर हिम्मत तो है कि हम अपने हक के लिए इस समाज से लड़ते हैं। ये समाज हमारा मजाक उड़ाता है, हमें नीचा दिखाता है, हमें किन्नर, हमें छक्का, हमें तीसरी दुनिया का कहता है, लेकिन फिर भी हम लड़ते हैं अपने लिए। और तू क्या बकवास है? अरे तुम सब लोगों की मौत तुम्हारे बेटे के हाथ से लिखी है। जा, मार इन्हें, मार तुम। नहीं पापा। तू क्या पागल हो गया है? अपने बाप को मना कर रहा है तू? हाँ पापा, पहली बार ना कह रहा हूं तो थक गया हूं मैं पापा आपके लिए, झूठ बोलते बोलते, अपने आप को झूठ बोलते बोलते, छुपना छुपाना, ये गुस्सा मुझसे ना पापा अब और नहीं होगा। तू होश में है? ये सब क्या कह रहा है तू? मैं आपका बेटा हूं, आपको नजर नहीं आता क्या? तो थक गया हूं मैं, आपके इशारों पे नाचते नाचते थक गया हूं। जब भी कोई काम करने जाता हो ना तो ये सोचना पड़ता है कि पापा को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। हर काम क्या हूं मैं आपका परफेक्ट बेटा बनते बनते, आप क्या करते हैं? लोग को डराते हैं, धमकाते हैं और कहते हैं कि बेटा जा मार, बस जा मार। अगर हमारे घर में कोई असली मर्द है ना पापा, और अगर असली इंसान है तो वो तिरसा नहीं है। रोना तो रोता है, हंसना है तो हंसता है, अगर डरना है तो डरता है। जो मन में आया ना पापा वो करता है। मेरी तरह या आपकी तरह नहीं है ये। आपको लगता है, आपको लगता है कि सनी मिठा है? आपकी नजर तो बड़ी साफ है। पिछले 24 साल से मैं आपकी परछाई बन के घूम रहा हूँ, आपको ये नजर नहीं आया? सनी नहीं, सनी नहीं, सनी नहीं, सनी नहीं, सनी नहीं, सनी नहीं, सनी नहीं। मैं ये बकवास कर रहा है तू? अरे दिमाग ठिकाना है तेरा? हाँ पा, पहली बार दिमाग ठिकाने पर तो है, इसलिए तो कह रहा हूं आपसे कहने के लिए हिम्मत जुटा पाया हूं, अपने आप को भी मना लीजिए। मैं मिठा 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 मैं गेम मैं गेम ये कहने से ना मेरा मन जो है बड़ा हल्का हो जाता है। हट, झूठ बोल रहा है तू, झूठ झूठ। पापा नहीं नहीं नहीं, ये पापा मैं अभी आपका परफेक्ट वाला ही बेटा हूं। तू बेटा तो क्या, तू तो मर्द ही नहीं है, तू मिठा है मिठा। हट, पागल हो गया सेठू? अरे क्या खुशी मिलती है दूसरों को दर्द देने में, और वो भी तब जब तेरा ये अपना खून, तेरा बच्चा है ये। अरे सही मायने में तो असली नामर्द तो तू है, तू राक्षस भी
कभी अपने बच्चे पर हाथ नहीं उठाता। घिन आती है मुझे तुझ पर, शर्माने चाहिए तुझे। और हाँ, ये गे है ये बच्चा, लेकिन ये नॉर्मल है, कोई बीमारी नहीं है सेठ, जिसका इलाज किया जा सके, समझा तू? और गे होना कोई गलती नहीं है। आखिर आप लोग ये क्यों नहीं समझते, और आखिर कब समझोगे तुम लोग? आप ना अपनी बातें ना रहने दो, आपकी बातें समझ में क्या, इनके तो सोच से भी वो बहुत दूर है। हम जाएंगे, अपनी दुनिया बसाएंगे जहां सब कुछ समझ सके। ये दुनिया में ना हमें समझने वाला कोई है ही नहीं। सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके हर एक वोट की मायने रखते हैं हम, और ये बात साबित करके रहेंगे। धन्यवाद। यू नो गाइस, जिंदगी है ना, सही या गलत नहीं होती, बस अलग होती। और जब हम लोगों के सामने कुछ अलग रख देते हैं ना, दे फ्रीक आउट, उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और हमारी सोसाइटी में होमोसेक्सुअलिटी को लेकर यही प्रॉब्लम, उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन विकी अब फ्री था, वो अपनी जिंदगी में खुश था, उसने अपनी दुनिया खुद बनाई हुई। दिल्ली में एक यूथ पार्टी का प्रेसिडेंट था, लोग उसे एक्सेप्ट करते थे, एंड ही वाज हैप्पी। लेकिन ये लर्निंग हम सब लोगों के लिए, क्योंकि इट्स हाई टाइम दैट वी स्टार्ट एक्सेप्टिंग होमोसेक्सुअलिटी एज जस्ट नॉर्मल एंड स्टॉप मेकिंग अ बिग डील अबाउट इट। यू नो, लुक एट लाइफ इन जनरल, जिंदगी को देखो यार, जिंदगी स्ट्रेट, गे या होमोसेक्सुअल नहीं होती, जिंदगी जिंदगी होती, इट्स इक्वल टू एवरीबॉडी। So should we be equal to everybody, right? Well, on that thought, this story comes to an end. Lekin agar aapke paas aur kuch kahaniyan hai, kuch comments hai, anything that you want to share with us, please on #HashtagAsZindagi, twitter.com/ZingTV and facebook.com/ZingTV. Don't forget, I would love to hear from you guys. And jab tak main agle hafte aapke paas zindagi ka ek aur flavor lekar aaun, there's just one thought. Remember, start accepting and life will be way more beautiful. Believe me when I'm saying this. I'll see you next week.